तो दोस्तों वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करेंगे एपिक गोल सेटिंग के बारे में। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो जरूर चैनल पे सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर क्लिक करें एंड नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मालूम चले जब भी मैं ऐसे एपिक नए वीडियोस बनाता हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं गोल सेटिंग के बारे में। नॉर्मली जो गोल सेटिंग का जनरल गाइड है वो एक स्मार्ट गोल सेटिंग का गाइड बहुत पॉपुलर हो गया है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। इसमें दो तीन चीज़ें हैं ये स्मार्ट गोल सेटिंग के, इसमें जो मुझे पसंद नहीं, जो आई डोंट अग्री विद। तो स्मार्ट अगर गोल सेटिंग गाइड देखोगे, स्पेसिफिक विच इज़ वेरी ग्रेट। स्पेसिफिक गोल सेटिंग में क्या रहता है कि आप एक इस तरह का गोल क्रिएट करो जो आप बहुत स्पेसिफिकली देख सकते हो या लिख सकते हो। तो कई बार क्या होता है, मुझे बहुत पैसा बनाना है, नॉट स्पेसिफिक, नॉट मेजरेबल, कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं आपको आप कहाँ पे हो अपनी प्रोग्रेस के हिसाब से। तो स्पेसिफिक का मतलब ऐसा हो सकता है कि मुझे मेरी मार्केटिंग कंपनी में 100 क्लाइंट लेकर आने हैं ताकि मैं महीने का एक्स अमाउंट विद 100 क्लाइंट्स वुड बी अराउंड महीने का 60 लाख रुपए बना सकूं, ऐसा। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक गोल सेट हो गया। तो इसमें अब क्या बचा, वो है टाइमली, मेजरेबल, अटेनेबल, ये सब चीज़ें हैं। तो मेजरेबल भी मैंने स्पेसिफिक के साथ ही कर दिया, मेरी मार्केटिंग कंपनी में मुझे क्लाइंट्स लेकर आने हैं, ये गोल है। इसमें मेजरेबल क्या हुआ, 100 क्लाइंट्स। अब आता है अटेनेबल। अटेनेबल में मतलब अगर बोला जाए तो देखा जाए तो 100 क्लाइंट्स बहुत मुश्किल है। बट बहुत बार क्या होता है, हम लोगों को लोग बोलते हैं कि भाई अटेनेबल गोल, ऐसा गोल रखो जो तुम्हारे हाथ के अंदर हो, इजी है, ये है, ब्ला ब्लू ब्ली ब्ला ब्लू। लिटरली वो चीज़ का मतलब है कि जितना तुम्हारा पोटेंशियल है उसको तुम अंडरमाइन करके एक नीचे वाला गोल तुम सिलेक्ट करो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसका सोल्यूशन है कि आप जो भी आपको लगता है कि आप आज अटेन कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अगले 2 महीने में रियलिस्टिकली इजीली 5 क्लाइंट्स ला सकता हूँ तो मैं बोलूंगा मैं अगले 2 महीने में 10 क्लाइंट लाऊंगा। तो अटेनेबल से एक लेवल ऊपर, तभी तो हम ग्रो करेंगे, ताकि तभी तो हम पुश करेंगे। तो स्पेसिफिक तो करना है, मेजरेबल भी करना है, बट अटेनेबल से एक लेवल ऊपर जाना है, ये मेरा मानना है, ये मेरा बिलीफ है, ये मैंने ग्रैंड कार्डोन से सीखा है एंड ये बहुत 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 हेल्प करता है। एक थोड़ा जो एक्स्ट्रा पुश की जरूरत है, एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत होती है, ये बहुत हेल्प करता है। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मैंने देखा है पिछले 2-3 साल में, बहुत सारे लोगों से बात किया, इतने सारे वीडियोस बनाए, इतने सारे रिस्पॉन्सेज, मैसेजेस, ये सब, तो मैंने चीज़ नोटिस किया काफ़ी सारे लोगों को जब वो गोल बहुत हाई सेट करते हैं ज़्यादा मुश्किल आती है, और काफ़ी सारे लोग जब वो गोल लो सेट करते हैं उनको मुश्किल आती है। मैं ऐसा हूँ कि जब मेरा गोल लो होगा मैं मोटिवेशन में मोटिवेटेड नहीं रहूँगा। तो आप देखो कि आपके लिए कौन सा लेवल इनमें से काम करता है, बहुत हाई, बहुत लो या बीच का कहीं पे, एंड देन अकॉर्डिंगली काम करो। जो मैं बोल रहा हूँ वो है कि बहुत जो मीडियम है, मीडियम से थोड़ा ऊपर, बहुत हाई भी जाने की इमीजिएटली ज़रूरत नहीं है। अब आता है अटेनेबल के बाद जो रियलिस्टिक वर्ड बोलते हैं। रियलिस्टिक मतलब अब रियलिस्टिक को 2-3 चीज़ों में देख सकते हो। जब शुरू शुरू में मैं देखता था तो मुझे लगता था यार ये क्या है, रियलिस्टिक क्यों रखना है, जो लोग अनरियलिस्टिक हैं वही लोग तो ऊपर जाएंगे। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, अब रियलिस्टिक ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मैं एक NBA प्लेयर बनना चाहता हूँ, नॉट पॉसिबल, मेरी हाइट 5'7" है, नो चांस, नो मैटर मैं जितना अच्छा ड्रिबल कर लूँ, जितने अच्छे शॉट्स डाल लूँ, जो मर्जी कर लूँ, वहाँ जाने का मेरा चांस नहीं है। एंड प्लस मैं अभी 25 का हूँ तो मेरे पास टाइम ही नहीं है उतना सीखने का। बास्केटबॉल में खेला हूँ बट इतना नहीं खेला हूँ कि मैं अभी अगले 3-4 साल में कुछ इतना एपिक प्रैक्टिस करके पहुँच सकूँ। तो ये चीज़ देनी है ध्यान कि आप रियलिस्टिकली किन किन चीज़ों से बाउंड हो, एंड डेफिनेटली वो लिमिट्स तोड़ी जा सकती हैं। डेफिनेटली उसमें एक ऐसा नहीं है कि वो है एंड वो फिक्स है, वो चीज़ चेंज की जा सकती है। वो हो सकता है कि आप वो आप 5'7" हो और आप पहुंच पा रहे हो, 5'9" के प्लेयर्स को मैं जानता हूं जो NBA में है। तो ये चीज़ ऑफ कोर्स उसमें एक्सेप्शन है, बट जो जेनेरिक एक वो है उससे थोड़ा सा बाहर आना है, बट गधों की तरह बाहर नहीं जाना। तो इसमें आ गया आप रियलिस्टिक। अब आता है टाइमली। टाइमली जो इफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है हमारा ब्रेन टाइमलाइंस एंड डेडलाइंस के हिसाब से प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। तो अगर मैं 20 मिनट का काउंटडाउन टाइमर लगाकर काम कर रहा हूँ ना, तो मेरा काम, मेरी प्रोडक्टिविटी तब तक तब तक तब तक बढ़ती है। तो ये चीज़ बहुत रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि आपका कोई भी गोल एक टाइमली फैशन में होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी मार्केटिंग कंपनी महीने का 10 लाख रुपया बनाती है,
तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आज मेरी मार्केटिंग कंपनी महीने का 10 लाख बनाती है, जिसमें मेरे पास 7 क्लाइंट्स हैं, तो मैं एक काम करना चाहूंगा, मैं मेरे 7 क्लाइंट्स से आई वॉन्ट टू साइन 2 क्लाइंट्स एवरी मंथ और 1 क्लाइंट एवरी मंथ, लेट से 2 क्लाइंट्स एवरी मंथ, तो मैं अगले 12 महीने में 24 नए क्लाइंट साइन करना चाहता हूँ, जिससे मैं मेरा मंथली बिजनेस एक अबाउट 1 करोड़ तक लाना चाहता हूँ। तो ये बहुत स्पेसिफिक, बहुत रियलिस्टिक टू माई करंट सिचुएशन, क्योंकि मैं महीने का अगर 7 क्लाइंट के साथ 10 लाख बना रहा हूँ तो 10 लाख का मेरे पास बैकिंग है। अगर मैं यही होता कि मैं 50,000 बना रहा होता, मेरे पास एक ही क्लाइंट होता या 2 ही क्लाइंट होते, तो सिचुएशन बहुत अलग होती। तो मैं बोलता मे बी मैं अभी 1 क्लाइंट है, 50,000 बना रहा हूँ, मैं शायद एक काम करूँगा, मैं अगले हर 3 महीने में 1 क्लाइंट साइन करूँगा, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर मेरा मंथली रेवेन्यू अबाउट 1.5 से 2 लाख होना चाहिए। तो ये एक टाइमली फैशन में जो गोल है ना, बहुत हेल्प करता है। अब इसमें स्मार्ट गोल सेटिंग में एक चीज़ और आती है जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं, वो है कि अपने गोल्स रोज लिखना। स्मार्ट गोल सेटिंग से आपने गोल तो सेट कर लिया, बट उसको रोज लिखकर जो सुबह सुबह मोटिवेशन आएगा या शाम को जब भी आप लिखना चाहते हो, वो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है आपको आगे पुश करने के लिए, वो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है आपको एक लाइफ में ट्रैक देने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है हम भटक जाते हैं, हम थोड़ा टेढ़ा जाते हैं, तो किसी भी तरह के गोल सेटिंग प्रोसेस में वो गोल्स को रिविजिट करना ऑलमोस्ट एवरी डे और एज ऑफन एज पॉसिबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ज़रूर आप ये स्मार्ट गोल सेटिंग गाइड को यूज़ करें एंड अपने गोल्स को रिविजिट करते रहें। अगर आप ग्रैंड कार्डन को देखोगे तो दिन में 2 बार अपने गोल्स लिखता है, जितने बड़े बड़े लोग आप ढूंढ लो, 2-2, 3-3 बार दिन में अपने गोल्स वो लोग लिखते हैं, बिकॉज उनसे एक ऐसा बिल्कुल पिन पॉइंट फोकस आता है लाइफ में, जो बहुत बहुत ज़रूरी है अपने गोल्स तक पहुँचने के लिए। तो ज़रूर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये गाइड कैसा लगा, एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक आपका गोल क्या है, आप लेट से आपका 2018 ख़त्म होने का गोल क्या है, ये मुझे ज़रूर कमेंट में नीचे लिखकर बताओ, एंड मैं मेरा गोल भी शेयर करूँगा आपके साथ। एंड चलिए हम एक अच्छा सा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कमेंट्स में। तब तक के लिए अगर आपने एक और बात, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर, ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ, एंड मैं आपको अगले वीडियो मिलूंगा एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चाओ।